आज हम बटरफ्लाई बनाएंगे और तीन कलर से बनाएंगे। ये बटरफ्लाई बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनती है। आप इसमें कोई भी तीन कलर से बना सकते हैं, दो कलर से बना सकते हैं, और इसको आप बेबी कैप पर, बेबी फ्रॉक पर और हेयर बैंड पर कहीं भी इसको लगा सकते हैं। तो इसका बनाना बहुत ही आसान है। मैक्रम की हमने बना के डाल रखी है, अब उनकी कैसे बनती है वो बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये कलर से बनाएंगे, ऐसे लेके और ऐसे हम इसकी नोट बना लें। ये नोट बन गई। अब इसमें आठ चैन लेंगे, सिंगल चैन लेंगे, ऐसे लेके और ऐसे निकालना है। ये हमारी आठ चैन होगी। अब जो हमारी फर्स्ट चैन ली थी उसके अंदर डाल के हम गोल सर्कल बना लेंगे। ये हमारा गोल सर्कल बन गया। अब सर्कल को भरना है, तो ऐसे तीन चैन लेंगे। तीन चैन लिया, डबल क्रोशिया किया और वापस ले आके तीन फंदे हो गए, दो को एक साथ और दो को एक साथ, ऐसे हमारा डबल क्रोशिया होगा। अब दो हमने ऐसे एक चैन ये ली थी तीन, एक डबल क्रोशिया किया। अब बीच में हम दो सिंगल चैन लेंगे, दो सिंगल चैन ली और फिर डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे करके सर्कल के अंदर डाल लेंगे और वापस लाएंगे। तीन फंदे, दो को एक साथ और दो को एक साथ और फिर डबल क्रोशिया करेंगे। दो डबल क्रोशिया की चैन करेंगे और फिर दो सिंगल चैन लेके ऐसे और फिर डबल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही सर्कल को भरते हैं। ये देखिए हमने सर्कल को भर लिया है। तो हमने दो चैन छोड़ दी, ये होल है, और फिर डबल क्रोशिया दो किया है, फिर दो चैन छोड़ दी है और फिर डबल क्रोशिया दो किया है। ऐसे हमने आठ जैसे दो दो चैन के ये होल छोड़े हैं। अब ये जैसे इसमें हम दूसरा कलर ज्वाइंट करें, जो हमारे ये होल छोटे हैं आठ, तो इसके अंदर डालेंगे और वापिस ऐसे फंदा बना के लाएंगे। और हम इसमें पहले की तरह शुरू में तीन चैन लेंगे, तीन चैन ली। अब इसके अंदर ही हम डबल क्रोशिया की सात जैसे चैन बनाएंगे, ऐसे करके एक, फिर डबल क्रोशिया करेंगे, इसके अंदर डाल लेंगे और फिर ये दो, ऐसे हम इसमें सात बनाते हैं डबल क्रोशिया। तो ये हर होल है, इसके सभी में हम सात सात डबल क्रोशिया करेंगे। और जो ये हमारे दो चैन ली हैं बीच में डबल क्रोशिया की, इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ये तीन हो गए, ये हमारे सात डबल क्रोशिया हो गए। अब जो दो बार डबल क्रोशिया लिया था उसके अंदर हम ऐसे ही डाल लेंगे
और ऐसे लाएंगे वापिस। दो फंदे हो गए, दोनों को एक साथ निकाल के टाइट कर देंगे। फिर अगला होल है ये, इसमें हम फिर 7 डबल क्रोशिया करें। सात डबल क्रोशिए हो गए। अब ये दो चैन है, इसके अंदर ऐसे डालेंगे और वापस लेंगे। दो हो गए, इसको दोनों को एक साथ निकाल के ऐसे टाइट कर देंगे। फिर अगला होल में ऐसे 7 डालेंगे और ये दो चैन पहले ली है, इसमें हम ऐसे बंद कर देंगे। ऐसे हम यहाँ तक बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ तक पूरा कर लिया। अब हम इसको बंद कर देंगे, ऐसे लेंगे और इसको ऐसे दोनों को लेके ऐसे बंद कर देंगे। अब हम इसमें तीसरा कलर लगाएंगे, तीसरा ये कलर लगाएंगे। ये हमने तीसरा कलर ले लिया। अब हम इसमें ऐसे चैन के अंदर डालेंगे, क्रोशिया को ऐसे डालेंगे, फंदा बना के वापस लाएंगे। दो फंदे हो गए, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। ऐसे ही हर चैन में ऐसे डालेंगे और चारों तरफ ऐसे ही करेंगे। दो फंदे हो गए, दोनों को एक साथ। चारों तरफ ऐसे बना लिया है। अब हम इसमें चैन लेंगे, सिंगल चैन लेंगे और 15 चैन लेंगे। ये हमारी 15 चैन होगी। अब हम इसको बीच से ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे है, इसको बीच से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसका बीच का सेंटर से और इसको ऐसे घुमाएंगे जो हमने चैन बनाई है और जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक हम इसको ऐसे लाएंगे। आपको जितनी भी चैन आती है उस हिसाब से आप उसमें ले सकते हैं, कम ज़्यादा, जैसे आपका हाथ लूज है, टाइट है, तो इसमें जितनी भी चैन आ रही हैं अब इसमें ज्वाइंट कर दें। इतना बड़ा हम सिंगल एक धागा लेंगे और दोनों साइड हम इसमें नोट लगाते हैं। नोट लगाने के बाद इसके अंदर ऐसे डालेंगे। ये हमारी बटरफ्लाई तैयार हो गई है। इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत जल्दी बन जाती है। ये हमने 3 कलर में बनाई है और ये हमने 1 कलर में बनाई है। आप ऐसे 1 कलर में भी बना सकते हैं, 3 कलर में भी बना सकते हैं, 2 कलर में भी बना सकते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी बनती है ये। वीडियो पसंद आए तो लाइक,
कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।